कोलकाता में हुई डॉक्टर से हैवानियत के बाद पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर देश के रेजिडेंट डॉक्टरों का तो मानो गुस्सा फूट पड़ा है। राजधानी दिल्ली की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे थे, ठीक उसी तरह अब कोलकाता के निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है, जहां चिकित्सा अधिकारी संघ के तत्वावधान और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी जयपुर के आह्वान पर डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया और घटना को लेकर अपना विरोध जताया। दरअसल इस मामले के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि डॉक्टरों के गुस्से के बीच केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। चित्तौड़गढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी संघ जयपुर के आह्वान पर जिला शाखा के सभी आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सकों ने दोपहर 12 से लेकर 1 बजे तक ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया और काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की कलकत्ता शहर में जहाँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनके नृशंस हत्या किया गया, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आधी रात को जो बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे मेडिकल चिकित्सक, उनके ऊपर भीड़ ने जिस प्रकार मारपीट की, उस विरोध में पूरी राजस्थान में आज आयुष चिकित्सक विभागीय संघ के द्वारा 1 घंटा का कार्य बहिष्कार रखा गया है।